हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा से हैं, रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा के मुख्य समाचारों की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें, शेयर भी वीडियो को ज़रूर करें। आप सभी लोगों से बार बार कहना पड़ता है, शिकायत है, वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हो ना ही वीडियो को शेयर करते हो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 9,558 नए केस आए और 6 की हुई मौत। तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 9,558 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 6 की मौत हो गई है। गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और कैथल में एक एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। संक्रमण दर बढ़कर के 20.10% पर पहुंच गई है। इसी कारण कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 61,000 पार पहुंच गया है। रिकवरी दर गिरकर 91.87% हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 7276 मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 4 दिन से ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में 2845 केस मिले हैं कोरोना के, फरीदाबाद में 1285, हिसार में 487, करनाल में 482, पानीपत में 301, पंचकुला में 666, सिरसा में 235, अंबाला में 537, रोहतक में 283, यमुनानगर में 221, भिवानी में 179, कुरुक्षेत्र में 253, रेवाड़ी में 359, नारनौल में 100 और जींद में 113, झज्जर में 222, फतेहाबाद में 156, कैथल में 117, चरखी दादरी 94 और नूह में 43 और पलवल जिले में 21 नए मरीज मिले हैं। साथ में अगली बड़ी खबर की बात करें, विधानसभा के डिजिटलाइजेशन का असर, वहीं पेपरलेस नहीं हो सकेगा बजट क्योंकि कोविड चल रहा है। तो हरियाणा विधानसभा को कागज रहित बनाने की प्रक्रिया में कोविड की तीसरी लहर बाधा बन गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि संभवतः आने वाला बजट सत्र पेपरलेस नहीं हो सकेगा। अधिकारियों ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को बताया है कि डिजिटलाइजेशन समय सीमा 30 अप्रैल तय की जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने ताजा हालात का जायजा और कार्य की प्रगति का ब्यौरा लेने के लिए गुरुवार को राज्य विधानसभा के कार्यान्वयन के लिए बनी शीर्ष कमेटी की बैठक बुलाई है। फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश, हरियाणा में बदले भर्ती प्रक्रिया के नियम, फॉर्म भरते समय ही देने होंगे फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग। तो नौकरियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने अब भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही आवेदक के फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग ली जाएगी। सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंकों के लिए फाइनल परिणाम जारी होने से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत और वहीं तहसीलदार व SDM से हस्ताक्षरित शपथ पत्र जमा कराना होगा। हरियाणा के अम्बाला में दिन दहाड़े कार सवार 2 युवकों को गोलियों से भूना, एक युवक की मौत, लगी 17 गोलियां। हरियाणा के अंबाला में अंबाला जगतहरी हाईवे स्थित DAV रीडर साइड स्कूल के पास बदमाशों ने कार में सवार 2 युवकों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए छावनी के नागरिक अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद गांव खेला निवासी रोहित राणा को मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के करनाल में दुधारू पशु नस्लों की दुग्ध दहे कोशिकाओं की गणना करके मानक होंगे तय, NDRI को जिम्मा। भारत में सभी दुधारू पशु नस्लों की दुग्ध दहक कोशिकाओं की गणना की जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जिम्मा हरियाणा स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल को दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दुग्ध उत्पादों को गुणवत्ता के मापदंडों की कसौटी पर खरा उतारने के लिए ये क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सभी पशु नस्लों के दूध के सोमेटिक सेल्स का मानक निर्धारित करने के उपरांत हम वैश्विक बाजार में अपने उत्पाद निर्यात कर सकेंगे। हरियाणा में बनेगी पहली डिजिटल रेरा कोर्ट, गुरुग्राम रेरा ने GPTS के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। हरियाणा के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम यानी हरेरा ने गुरुवार को घोषणा करके बताया है कि गुरुग्राम रेरा के शिकायत निवारण प्रणाली के पूर्ण डिजिटीकरण के लिए GPTS जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत हरियाणा पहला डिजिटल रेरा कोड बनने में अग्रणी बनेगा, जिसके चलते सभी हितधारकों को अपने घर या कार्यालय में बैठकर एंड टू एंड विवाद समाधान तक ऑनलाइन निष्पादन करने में सुविधा प्राप्त होगी। हवलदार के बेटे की हत्या के 3 दोषियों को उम्र कैद, बस की सीट के विवाद में गोली मारकर की थी हत्या। हरियाणा के रोहतक में दिल्ली पुलिस के हवलदार के बेटे की हत्या मामले में दोषी करार
मोखरा निवासी अंकित व मोहित व जीन जिले के सादीपुर निवासी मंजीत को अदालत ने उम्र कैद व 20,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। एएसजे राजकुमार यादव की अदालत ने जुर्माना न भरने पर 6,000 की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान भी किया है। अदालत में पीड़ित पक्ष ने दोषी मंजीत को फांसी की सजा देने की मांग की थी। तरकथा की मंजीत ने जिस समय हत्या की उस समय वह किसी आपराधिक मामले में जेल से जमानत पर बाहर हुआ था। अगर उसे अब फांसी नहीं दी गई तो फिर बाहर आने पर आपराधिक घटना को अंजाम देगा। स्मार्ट सिटी करनाल को मिला जीरो स्पेशल में अवार्ड। सड़कों को पैदल चलने की अनुकूल बनाया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय की ओर से द स्टेट फॉर पीपल चैलेंज में हरियाणा की करनाल स्मार्ट सिटी को जीरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया। उपायुक्त एवं केसीएल के सीईओ निशांत कुमार ने शहर के नागरिकों की उपलब्धि बताई है। जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। हरियाणा के हिसार मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है पूर्वानुमान। हरियाणा के कई जिलों में बारिश के आसार। प्रदेश में राजस्थान के रास्ते प्रवेश होगा एक और पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा में करेगा बारिश। हरियाणा के पंचकुला सिरसा जींद रोहतक भिवानी हिसार फतेहाबाद अंबाला में आज और कल होगी बारिश। गुरुग्राम फैजाबाद सहित हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों को मालिक बनाएगी सरकार। तो गुरुग्राम फैजाबाद सहित हरियाणा में पंचायती जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों को सरकार राहत देने वाली है। सरकार इन लोगों का जमीन पर कब्जा जारी रखने के लिए एक ऐसी नीति बना रही है जिससे इन लोगों को जमीन से हटाया नहीं जाएगा, यानी इन्हें जमीन पर वाजिब ढंग से काबिज कर दिया जाएगा। यह जानकारी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने मामले की सुनवाई के दौरान दी है। HBSC ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालयों से मांगे अंक। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं गुरुकुल विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षा के लिए 9वीं 10वीं 11वीं परीक्षा में अर्जित अंक प्रमाण पत्र 22 जनवरी से 4 फरवरी तक ऑनलाइन मांगे गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह एवं कृष्ण कुमार बताया कि शिक्षा बोर्ड कार्यालय के रेगार्ड विद्यार्थी परीक्षार्थियों के विवरण की आवश्यकता है, इसलिए प्रदेश के सभी विद्यालय मुखियाओं को निर्देश दिए जाते हैं कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के 9वीं 10वीं 11वीं परीक्षा में प्राप्त अंक और प्रमाण पत्र 22 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से विद्यालय अपनी लॉगिन आईडी से भरना सुनिश्चित करें। हरियाणा के डिप्टी सीएम बैठक में बोले, हरियाणा में लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, पद्मा स्कीम ग्रामीण क्षेत्र के लिए लैंडमार्क साबित होगी। इससे जहां लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। यह जानकारी उन्होंने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की एक बैठक के बाद दी। इस अवसर पर विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बबली व श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक भी मौजूद थे। तो ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा अपडेट। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।